खतरनाक सपोर्ट से नेट पर चिपका हुआ भाई प्लांट मेरे से दोगुना क्रिसमस। सो गाइस ये नर्सरी है एलाइट नर्सरी और ये एकदम सोलापुर रोड पर ही है, वो देख लो वो रोड है एकदम, आपको जस्ट गूगल करो, इसका लोकेशन मांगने की जरूरत नहीं है, एकदम एलाइट नर्सरी बहुत फेमस, मतलब एलाइट वेज भी है, इनका होटल भी है बगल में ही। दिस इज नॉट प्रमोशनल वीडियो, दिस इज जस्ट कैजुअल वीडियो। हाँ वो अलमंडा को इन्होंने चढ़ा दिया है, मुझे जस्ट पाम लेना था तो मैं बस वही काम करूँगा, जितना कवर हो जाए उतना ही कवर करूँगा बस, थोड़ा मुझे पाम लेना था नर्सरी, लेकिन अच्छा है मैं कुछ भी बोलूँ तो एरिया काफ़ी बड़ा है। ये संतरे का प्लांट है कि नींबू का प्लांट है? कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन नहीं संतरा नहीं है, नींबू है भाई, नींबू लगे देखो। और इन्होंने इसको पॉट में लगा दिया, छोटे से पॉट में, लेकिन नींबू लग गया, कितना चाहिए बताओ, ये देखो आ जाओ और लेके जाओ, सब में नींबू लगे हैं, अब देख सकते हो छोटे से बैग में भी नींबू लगे भाई, ये देखो इसमें भी नींबू लगे। अभी रेट वगैरह का तो पता नहीं, होलसेल नर्सरी है थोड़ा कम ही होगा, होलसेल में अगर आपको चाहिए तो ये देख लेंगे, सब में नींबू लगे उधर भी है, इधर भी है, इसमें भी फल लगे, ऐसा नहीं कि खाली जैसे फ्लावरिंग हुआ है, ऐसा नहीं है, फल लगे। थोड़ा मुझे रबर प्लांट लेना था तो रबर प्लांट भी दिख रहा है मुझे, लेकिन ये देखिए इनका सकुलेंट, सकुलेंट को गर्मी में ख्याल खराब हो गया, अरे वाह कितना अच्छा है, हवर्थिया का टाइप है, हवर्थिया का, ये कितना क्यूट है। इधर है रबर प्लांट, यहाँ आपको बैकग्राउंड में शोरगुल सुनाई देता होगा जस्ट बिकॉज कि ये कदम सड़क पे ही नर्सरी है, इसके कारण थोड़ा ज़्यादा शोरगुल होता होगा। ये फॉन का मुझे अलग वैरायटी दिखा, अलग ही है, फॉक्सटेल फॉन जो होता है वो है उसी के जैसा है, लेकिन अलग है थोड़ा। सो ये रहा पाम जो हमको अब लेना है, इसमें से हम कुछ पाम लेंगे, पाम मुझे ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पीला पड़ रहा है, लेकिन अगर कोशिश करूँ निकालने का तो आराम से निकल जाएगा अच्छे वाले, तो मैं पहले पाम ले लेता हूँ, फिर आपको वो सब एरिया का टूर करवाता हूँ, एक बड़े पत्ते वाले भी दिख रहे हो वो भी दिखाऊंगा। गाइस हमने पाम ले लिए है और इस प्लांट को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो पाप रे, ये यहाँ से अगर शुरू करो ये कुछ इस तरीका से, और ऐसा नहीं कि पत्ते बड़े, मतलब प्लांट को मेंटेन भी काफ़ी अच्छे से किया गया, ये देखो इतना दूर से रिकॉर्ड करने के बाद ही प्लांट इतना बड़ा है, मतलब ये वैरायटी ही बड़ा होता है इसकी। इसके बाद इधर कुछ ये क्या बोलते हैं, लेडी पाम सर बोलते हैं वो है, रोटो पॉट में प्लांट को लगा दिए, कितना शानदार से लग रहा है, ये देखिए रोटो पॉट नो कलर सेंट, देखिए कितना बड़ा बड़ा तक प्लांट हो सकता है। ये रोटो पॉट की खासियत है क्योंकि रोटो पॉट खुद लंबा होता है तो हाइट देखिए कितना बड़ा जा सकता है, मतलब आम लीची बरगद सब खा जा सकते हैं इतना बड़ा भी, पर ये प्लांट भी बड़े वाले होते हैं। थोड़ा कुछ और प्लांट मैं आपको दिखा दूँ, इधर आपको ड्रोसिना के वैरायटी वगैरह मिल जाएगा अगर आप इस नर्सरी में आते हो। फिर ये प्लांट है, इसको बोलते हैं चामुंडा पाम, ये चामुंडा पूरा है, देखिए कितना क्यूट सा है। अभी लंच ब्रेक है इसलिए मुझे टाइम मिल गया इस तरीके से, ये देखो इधर है, ये सबसे ज़्यादा मेरे को तो यही पसंद आ रहा है, बाप रे इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्लांट हो गया, इतना खतरनाक। हाँ बोला, बॉर्डर बना दिया है सांपा का प्लांट, कितने ब्राइट फ्लावरिंग आ रहे हैं, और ये बॉर्डरिंग कितने अच्छे से, यहाँ से अगर फोटो क्लिक करो कितना अच्छा लगेगा। ये हमारा बेरोजगार ड्राइवर बोगनवेलिया वाइट पिंक कलर में, ये इतना ज़्यादा, मतलब नर्सरी थोड़ा एरिया ज़्यादा है ना, वो देखो लाइक नर्सरी लिखा है, एरिया ज़्यादा है ना कि मतलब कलेक्शन भी ज़्यादा है बहुत, मतलब मैं कवर करूँ तो पूरा। ये ग्राफ्टेड वाले बोगनवेलिया दो कलर के एक साथ है, ये देखिए दो कलर के एक साथ दिख रहे इधर,
ये देखो व्हाइट में, पिंक में, और ये वाले काफी बड़ी नर्सरी। हमारा पाम आ गया। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको बड़े प्लांट्स की डिमांड रहती है, लाइक जो प्लांट चिपकने वाला प्लांट अगर आपको चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट, इसे ये देखो, ये रास्ता से मैं आ गया। ओ भाई, मतलब मैं शूट करता हूँ, ये देखो रास्ता बन गया। ये देखो कितना एक रास्ता है जिसमें से जा सकते हैं। और ये प्लांट बढ़ता कैसे है, ये चिपकता है, नेट पर पूरा चिपक गया। वहाँ पर गया था और बिना पानी के सपोर्ट से नेट पर चिपका हुआ। भाई प्लांट कितना अजीब सा है, इसके अंदर ऐसा कुछ लगा नहीं है, पता नहीं कैसे चिपक जाता है, कैरेक्टर ही। थोड़ा अगर गौर करो, ओ भाई इसके ये जो है, ये वाले इसमें कुछ नुकीला नुमा है, ये वाला, इसको अगर आप टेढ़ा से करो तो ये देखो फंसता है, इसके कारण ये पत्ते जो है चिपकते हैं, ये वाले सब पूरे प्लांट को निकलते हैं। मतलब हाथ से पकड़ो तो हाथ को भी पकड़ लेते तुरंत में, पूरा यही। बड़े वाले एरिका पाम काफ़ी पुराना प्लांट है। इधर बड़े वाले क्रिसमस, मतलब नर्सरी को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। हमको दिख रहा है शायद टिकोमा है कि अलमंडा है कि क्या पता, ये भी ट्री है। इधर इधर ठीक है, तो फ्लावर अच्छे। ओ भाई ये क्रिसमस कितना लंबा होगा, मेरे दो गुना होगा, मेरे दो गुना क्रिसमस। मैं यहाँ हूँ और क्रिसमस की हाइट मेरे से दो गुना क्रिसमस। इधर भी बॉर्डर बन गया, माइंड लोडिंग चालू है। चलो तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा।